हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज मैं आपके सामने आलू, गाजर, चना की बहुत ही सिंपल तरीके से सब्जी आपको बना कर दिखाऊंगी। इसमें मसाला का मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं आलू की सब्जी। ये बहुत ही खाने में टेस्टी है और बहुत जल्दी बन जाता है, तो अगर मेरी वीडियो पर बने रहिएगा तो देखिए मैंने कढ़ाई बिठा दिया है। अब इसमें मैं तेल डालूँगी, ये सरसों का तेल है। तेल को गर्म होने देंगे, तेल गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं जीरा डालूंगी, जीरा चटक गया है। इसमें मैंने दो बारीक प्याज काट कर डाल दिया है। इसको भून लेंगे, एक से दो मिनट इसे फ्राई कर लेना है। हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसे मैं भून लूँगी। अब ये देखिए, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक को मैंने कूट लिया है। इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अभी देखिए, एक कटोरे में मैंने धनिया पाउडर ले लिया है, दो चम्मच मैंने धनिया पाउडर लिया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे कलर बहुत अच्छी आती है। और आधा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। ये सारी चीज़ों को मैं पानी डालकर अच्छे तरीके से इसका पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए, अच्छा पेस्ट बन गया है। कढ़ाई में डाल देंगे, अब इसे भून लेना है। एक बार इस तरीके से आप सब्जी बनाकर जरूर ट्राई कीजिएगा। मसाला मैंने बहुत कम यूज़ किया है, ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बन जाती है। अभी एक टमाटर मैंने लिया है, इसको भी मैं डालकर भून लूँगी। अच्छे तरीके से भून लेना है। एक कसूरी मेथी है, इसको भी मैं क्रश कर डाल दूंगी। अच्छे तरीके से चला लेंगे, मिक्स कर लेंगे सारे मसाले को। देखिए मसाला में तेल छोड़ दिया है। ये देखिए गाजर है, चना है, मैंने एक सीटी लगाकर इसे उबाल लिया था, इसको मैं डाल दूंगी। दो तरह के गाजर हैं। ये भून चुका है, अब इसमें मैं बॉयल आलू डालूंगी। मैंने इसे पहले ही बॉयल कर काट लिया था। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो वहाँ भी मुझे आप लोग फॉलो कर सकते हो। आप वहाँ मुझे फॉलो करें फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपी बनाकर दिखाई है सब्जी की। अब इसको 10 मिनट पकने देंगे। ये देखिए मेरी सब्जी लगभग हो चुकी है। आप इसे रोटी चावल के साथ खाइए। मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। आई होप आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड। थैंक यू।